देखिए, डिजिटल इंडिया करते करते तो हमारा देश चौपट हो गया। अभी मोदी जी कहते थे, जिस समय नोटबंदी की रोज कहते थे कि हमारा देश कैशलेस हो जाएगा, हो गया क्या कैशलेस? सर, इस आंदोलन में आप भी लगातार आ रहे हैं जी, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या लगा? देखिए, हाँ, मैं मेरा कहने का मकसद है कि आप बंगाल के चुनाव से इस आंदोलन से न जोड़े, क्योंकि चुनाव में जो होगा तो आप भी जोड़ लें, आपने आपका सवाल बनाया। हमने बस ये जोड़ा कि वहाँ पर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, जास्ती हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ पर हम उसको न्याय दिलाएं। लेकिन अब आप जो है कि मेन आइए मेन टॉपिक पर, किसान आंदोलन से संबंधित। देखिए, हमारा किसान आंदोलन तो जीत चुका है, इसलिए जीत चुका है, मैं बता दूं आपसे, जिस प्रकार से कुछ बड़े डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर, मैं सभी डॉक्टरों से नहीं कह रहा हूं, जो साथी टाइप के डॉक्टर होते हैं, वो कुछ बीजेपी 5 सीट भी पाना मुश्किल है बंगाल। लेकिन सर, आप लोग ईवीएम को कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ईवीएम में इतनी बड़ी धांधली नहीं है कि चुनाव को हरा दे जिता दे। देखिए भाई, ईवीएम के विषय में बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार कहती है कि सरकार के आप जो अंधभक्त लोग हैं कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम ये है वो है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में तुम्हें क्या जा रहा है? एक मिनट सर, ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो गिनती में, काउंटिंग में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं। पूरे भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है, और पंचायत चुनाव में 4 बैलेट पेपर होते हैं सर, ग्राम पंचायत का, प्रधान का, मेंबर का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, 4 बैलेट पेपर होते हैं, चारों एक बक्से में पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद चारों की काउंटिंग जब होती है तो अलग अलग छांटा जाता है, अलग अलग सिग्नेचर होती है, वार्ड वाइज गिनती होती है, 2 दिन में क्लियर हो जाता है। तो आखिर विधानसभा लोकसभा में तो एक सीट, एक बैलेट पेपर होता है, एक ही बैलेट पेपर पड़ता है, उसको काउंट छाट करके अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो क्या दिक्कत है? पारदर्शिता होनी चाहिए ना। कई लोग कह रहे हैं कि कागज की बहुत बड़ी कमी पड़ रही है मेरे देश में। मेरे भाई बताओ, एक एक बजट में, एक एक लाख करोड़ का बजट हमारे होता है, इतनी बड़ी देश का भविष्य का निर्माण होने जाता है, कागज से हम मार खा जाते हैं, कागज हम नहीं छपा पाएंगे? कागज तो हमारे पास इतना पर्याप्त है कि रोज छापते रहो। इस बार तो बजट भी डिजिटल आया सर, टैब में आया। देखिए, डिजिटल इंडिया करते करते तो हमारा देश चौपट हो गया। अभी मोदी जी कहते थे, जिस समय नोटबंदी की रोज कहते थे कि हमारा देश कैशलेस हो जाएगा, हो गया क्या कैशलेस? सर, इस आंदोलन में आप भी लगातार आ रहे हैं जी, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या लगा? देखिए, हाँ, मैं मेरा कहने का मकसद है कि आप बंगाल के चुनाव से इस आंदोलन से न जोड़ें, क्योंकि चुनाव में जो होगा तो आप ही जोड़ लें, आपने आपका सवाल बनाया। हमने बस ये जोड़ा कि वहाँ पर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, जास्ती हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ पर हम उसको न्याय दिलाएं। लेकिन अब आप जो है कि मेन आइए मेन टॉपिक पर, किसान आंदोलन से संबंध में। देखिए, हमारा किसान आंदोलन तो जीत चुका है, इसलिए जीत चुका है, मैं बता दूं आपसे, जिस प्रकार से कुछ बड़े डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं ना, जो बड़े बड़े डॉक्टर, मैं सभी डॉक्टरों से नहीं कह रहा हूं, जो साथी टाइप के डॉक्टर होते हैं, वो कुछ मरीजों को अपने ले जा करके आईसीयू में डाल देते हैं और लोगों से बोलते हैं कि अरे भाई चलो, अभी मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाली है, सांस चल रही है। सीधे साधे पेशेंट बेचारे रहते हैं 8-8 दिन, मेरे भाई मरी हुई लाश को ये लोग रख करके पैसा लेते रहते हैं, लेकिन उनको तो डेथ सर्टिफिकेट जिंदा तो करने दे, डेथ सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो हम लोग, मेरे भाई सुन लीजिए कान खोल के, हम लोग इस कानले अंधे कानून को, ये भी साइलो में चला गया, कृषि कानून भी साइलो में, आईसीयू में चला गया है, अब हम लोग इसकी डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं। सरकार सोच रही है कि हम देंगे ही डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोग इसके बिना डेथ सर्टिफिकेट लिए, हम बिना डेथ सर्टिफिकेट लिए, बिना उसको यहाँ जलाए यहाँ से जाएंगे नहीं, उसकी तेरही बरी करके जाएंगे, अंतिम संस्कार करके जाएंगे। जो भूल की बात कह रहे हैं, सरकार इस भूल में न रहे कि किसान ऐसे ही चले जाएंगे, कोरोना की बीमारी ये सब बहाना करके चले जाएंगे, यहाँ पर उनका ये सब फंडा नहीं चलेगा। मैं तो लग रहा है किसान ही हल्के में ले रहे हैं सरकार। देखिए, सरकार हल्के में हमें ना ले, अभी कल KMP रोड हम लोगों ने जाम कर रख दिया था, सरकार बोली कि हम लाठी लेकर के, पुलिस आ रही है, वार्ता हुई, रोक पाई क्या? पूरा भारत थम गया, पूरा कनेक्टिविटी भारत से कम खत्म हो गई। तो हमारे किसान नेता अभी संयम से काम ले रहे हैं। पहली बार KMP जाम थोड़ा करा, तुम तो हर बार कर लो, कभी भी जब मन आवे तब चले जाओ करने। तो हम, हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनके आदेश का इंतजार हो रहा है। अगर जिस दिन किसान नेताओं का आदेश हुआ, उस दिन हम संसद भवन को भी घेर लेंगे और मोदी का वहाँ से निकलना मुश्किल है। आप लोगों ने कॉल दे दी है तो आगे देखिए, अब संसद भवन करोगे
26 तारीख नहीं, हमारी जनता यहाँ हमारे ट्रैक्टर लेके हम जा रहे थे। आप जानते हैं हम तो सरकार से बोले भाई हमको जंतर मंतर या रामलीला मैदान दे दो। सुप्रीम कोर्ट की का फैसला है कि कोई भी अगर सरकार जनता के खिलाफ फैसला करती है या कोई ऐसा गैर कानून कानून जो जनता के पक्ष में नहीं बनता है तो आप जो है कि अपना प्रोटेस्ट चाहे जा करके रामलीला मैदान में करो या जंतर मंतर। हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ देखे जितने भी लगे हम रामलीला मैदान जा रहे थे। ये हमको बोले कि नहीं भाई आपको यहीं रुकना है, हमने रोड पे रुक गए। लेकिन जानते हैं पैदल और पानी को, मनुष्य को, रास्ता को और पानी को आज तक किसी माइक लाल ताकत नहीं कि रोक लिया है। हम पैदल अभी मार्च हो गया, हम पैदल तो पानी का डैम बनता है। लेकिन ये बात है नदी अरे पानी जब सुनामी लहर आती है तो एम डैम सब फेल हो जाते हैं। सुनामी आती सबको उलाटती चली जाती है। ये सुनामी लहर है। जिस दिन अभी किसान मोर्चा का एक आदेश हुआ सुनामी चल जाएगी संसद में और उनको बाहर निकाल देगी। उनका निकलना मुश्किल समय नहीं हुआ आदेश का। भाई हम लोग संयम से काम ले रहे हैं, सरकार के समझा रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात के लिए बैठे हुए हैं। हम अपनी रोटी को, मजदूरों की, किसानों की रोटी को हम साइलो में इनके बंद नहीं होने देंगे। साइलो बन गया है, अभी जाएंगे आप। लेकिन सर ये 5 महीने होने वाले हैं आंदोलन, किसानों का क्या मूड है, अब किसकी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी से तो एक खिलाफ है, किसकी तरफ जाएंगे? देखिए हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के ऑप्शन में हम लोग किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये खराब है वो खराब है। आपका आकलन 50 साल तक हमारा देश 70 साल तक हमेशा जो है कि अपनी मांग मांगता रहा, रुकता रहा, लड़ते रहे। लेकिन बीच में जानते हैं पहले चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा हुआ करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों की समस्याओं को लेकर रोड पर उतरते थे, बीच में गैपिंग हो गई थी हम लोग थोड़ा सा। पता ना लेकिन अब पार्टी का क्या हालात है आजकल, आपने देखा ही होगा। भाई देखिए कोई जरूरी है कि हम कोई नाम लेने वाला नहीं है लोकदल का, तो अब देखिए भैया हम बताएं राष्ट्रीय लोकदल बन गई है। हमारा कहने का मकसद मेरे भाई कि कोई नेता अगर चला गया कोई अच्छा काम करके, कोई जरूरी नहीं कि उसके मानने वाले भी करते रहे। जैसे कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी तो कराई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बाद में लीडरशिप ही आई तो कोई जरूरी नहीं कि अब हम महात्मा गांधी जी को दोष दें, सुभाष चंद्र बोस को दोष दें, उनको दोष देने लगे। वो तो देश आज़ाद करा के हमको देकर चले गए, अब आने वाली लीडरशिप ही कैसा काम करे जनता उसका रिजल्ट देती है। मेरा मतलब ये सर ऑप्शन मिल गया अब आप लोगों को, नहीं मिला किस चीज़ का ऑप्शन राजनीति में? ऑप्शन पहले तो मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, या अभी भी वही ऑप्शन है? देखिए मोदी जी को तो हम लोगों ने बहुत ही भरोसे के बाद उनको सेलेक्ट किया था, लेकिन जो ऑप्शन की बात करते हैं हमारे लिए इस राजनीति में कोई नहीं जो हमारे जन किसानों के लिए लड़ेगा, जो हमारे किसानों की बात करेगा, जो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हम उसका साथ देंगे। हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना किसी को हम सपोर्ट करने वाले हैं। कौन कर किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता मैडम कौन कर रहा है? जो करेगा वो सामने आप जा जाएगा। अभी किया नहीं ना किसी ने। सब देखिए भाई बात जो आप कह रहे हैं कौन कर रहा है, जितने भाजपा में भी कुछ नेता हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस भी पार्टी में, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जिस भी पार्टी में हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश के किसान मजदूरों का आंदोलन जो चल रहा है, जो भी किसान के साथ आएगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का, हमसे पार्टी से नहीं मतलब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।